तो ये देखो गाइस क्या चल रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट में। और आपका भाई है जयपुर एयरपोर्ट में, जा रहा हूँ दिल्ली, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो मैं बताऊँगा किस लिए जा रहा हूँ थोड़ा सा, और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा फ्लाइट में क्या क्या होने वाला है, देखते रहना ठीक है। मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट और दिखाता हूँ, काफ़ी लोग आए हैं यार, तो सिक्योरिटी अच्छी है और बंदोबस्त भी अच्छा रखा हुआ है, मजा आ गया। और जब मैं एयरपोर्ट में था तो देखा कि भैया जो है सिक्योरिटी भी अच्छी थी और सैनिटाइजेशन सब कुछ था और काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया था COVID-19 के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ करना था। और एयरपोर्ट में मैंने नोटिस किया लोगों ने मास्क ज़रूर पहना बट सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे कहीं भी नहीं लगी, ऐसा लगा मच्छी मार्केट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनमें। और अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली, हो गया पूरा सब कुछ। तो आप देख सकते हो जैसे कि फेस शील्ड है जो कि एयरपोर्ट में मिला था और काफ़ी अच्छा था लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे अपने इंडिगो एयरलाइन की तरफ, हालांकि वहाँ पर प्राइवेट जेट्स भी देखे उस एयरपोर्ट में मैंने, और जो स्पाइस जेट भी देखा था, ज़्यादा मैंने एयरलाइन नहीं देखे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने सिर्फ इंडिगो के ही फ्लाइट्स देखे थे जो कि बढ़िया भी है ना, तो मैंने देखा था तो मज़ा आ गया मुझे। और खासकर फ्लाइट के अंदर मुझे ऐसा लगा नहीं कि लोग है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो सीरियस है बट यार बाकी लोग सीरियस नहीं होंगे तो क्या होगा, इससे सभी लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो कि लोग समझते नहीं हैं। तो ये था सीन फ्लाइट के अंदर। और ये आपका भाई है फेस शील्ड में, काफ़ी धुंधला दिख रहा था मुझे लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक। अभी मैं बाइक में हूँ, बाइक ब्लूटूथ, और देखो आपका भाई कैसा दिख रहा है, ये देखो शायद दिख नहीं रहा होगा। देखते हैं कैसा रहता है ये जर्नी इंडिगो में। सीट से उठे, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद, रिक्वेस्ट योर पेशेंस प्लीज, एज अ कैप्टन हैव मेड अनाउंसमेंट, रिक्वेस्ट ऑल द पैसेंजर टू काइंडली। फेस शील्ड से आवाज़ सही से नहीं आ रही थी तो मैं ये कहना चाहता था कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह 100% सेफ़ है बिकॉज़ सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हो नहीं रहा था, तो यह 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कोरोना ना लगे, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात थी। और फिर मैं देखा यार एयरपोर्ट में इतने लोग हैं नहीं, ना कोई मतलब सिक्योरिटी, जिस एरिया से मैं आ रहा था वहाँ तो कुछ खास ऐसा नहीं है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई पालन नहीं कर रहा तो रोक सके, तो दैट इज़ वो चीज़ इनको पहले से ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिस एरिया से मैं आ रहा था जिस भी मतलब गेट से वहाँ कुछ भी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। तो भैया मेरा तो मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का, बट फिर भी बना लिया। आपने देखा है कि कैसे प्रोटेक्शन है और मेरे सर पे भी बाल नहीं है, इसका भी कारण है जो हुआ है, डेथ हुआ है मेरे फैमिली में, इसलिए मैंने पहना मतलब काटना पड़ा, बहुत पहले काटा। और दूसरी बात, अभी तक आपने मेरा फेस नहीं देखा, हो सकता है थोड़ी देर बाद देखा, ठीक है। तो चलो एयरपोर्ट के थोड़े सीन्स देखो, दिल्ली एयरपोर्ट के इतना खाली कभी नहीं देखा। तो इस प्रकार है भाई दिल्ली एयरपोर्ट खाली खाली, कुछ ज़्यादा उसमें तो भरे हुए क्योंकि अभी अभी आए हैं, बट इधर देखो कोई भी नहीं है। और ये आपका भाई अभी अभी जस्ट मैंने उतारा है जो भी मेरे ऊपर था, प्रोटेक्शन के लिए ही है यार अपने। किसी टाइम पे भैया
लोगों की कमी नहीं थी, हालांकि थोड़ा सा ठीक है बट उतना नहीं है जितना पहले होता था। और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था तो आप देख सकते हो थर्मोमीटर लगा हुआ है, उससे बॉडी टेम्परेचर चेक होता है हर एक बंदे की, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने पहले नहीं देखा था तो मैंने उस दिन देख लिया। तो आपने देखा कैसे पीछे थर्मल स्कैनर लगा हुआ था, तो टेम्परेचर नापने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे पता चल जाता है मतलब बॉडी टेम्परेचर ये। तो चलो अब हम जाते हैं, कार में बैठते हैं और जो हमारे काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। तो मैंने जब एयरपोर्ट से बाहर आके कार बुक करने की कोशिश की तो यहाँ पर कार पार्किंग पे ही कार्स आएंगी। जब से कोविड हुआ है नॉर्मल सिचुएशन पे कार मतलब इधर नहीं आ रही, प्रीपेड टैक्सी आएगी बट ओला की टैक्सी तो कार पार्किंग नहीं आ रही, वहीं जा रहा हूँ। ये देखो तो भैया उसको ओला पार्किंग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, अब मैं वहीं जा रहा हूँ, वो जो सामने है, तो देखते हैं कितना डिफरेंस आया है 5 मंथ्स के अंदर, फिर मैं बताता हूँ क्योंकि ड्राइवर लोगों को पता होता है। और यही थी कार पार्किंग, कार पार्किंग पे ही ओला टैक्सी आ रही है बिकॉज़ यहाँ पर उनको 150 रुपये जो एयरपोर्ट फी होती है वो देना नहीं पड़ता, यहीं से पिकअप कर लेते लोगों को। ये देखो ओला जोन लिखा हुआ है जिससे कस्टमर और ओला टैक्सी दोनों को ही फ़ायदा हो जाता है, तो ये बढ़िया लगा मुझे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी इनमें से पता नहीं कौन सी है, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि इंतज़ार करने के बजाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं लेकिन मेरी गाड़ी नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, मैं इधर हूँ, गाड़ी इधर है। लो भाई मेरी गाड़ी आ गई। बढ़िया आ गई मेरी गाड़ी। लो लिखो 1716। लो भाई पहुंच गए, आखिरकार आ ही गई गाड़ी 1716। और काम कैसे चल रहा है? और काम कैसे चल रहा है? काम तो हल्का है, काफी मुश्किल। हाँ गूगल पे कर दूंगा, ओला मनी तो आजकल कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। पैसे नहीं होते कैश, पेटीएम में, गूगल में जाके कैश भरा भाई। अभी तैयार हो चुका है, अब जाएगा बाहर घूमने थोड़ा बहुत, फिर आगे की वीडियो दिखाया जाएगा आप लोगों को।
होगा वो जो ये होटल है आईबीज, तो अभी मैं घूमना चाहता था पर बारिश कर रहा है तो जिसके वजह से नहीं घूम पा रहा हूँ। तो अभी मैं अपने रूम में जाऊँगा और सीधा थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपना गणेश जी, तो अभी रेस्ट करूँगा और सीधा फ्लाइट टू जयपुर। ये बस बाकी और कुछ नहीं है। ये देखो आपका भाई का मुँह। यार मैं आपको पता है घर में कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे बाल काटने पड़े, इसलिए मैं अपना फेस दिखाने में भी थोड़ा सा अपोर्ट फील होता है। ये है आईबीस एरोस सिटी में। That's only for me. और मैंने यहाँ से लगा दिया लॉक। तो यार मतलब इस पेंडेमिक में ही लोग कितने सारे हैं होटल में आप समझ नहीं सकते। मैंने देखो मैंने खुद ही काफ़ी सारे लोगों को देखा है इस पेंडेमिक में ट्रैवल करते हुए, वो भी जस्ट कुछ लोग टूर पे है, कुछ लोग बिजनेस पे है, कुछ लोग किसी और चीज़ पे है, जो भी है बट लोग कर रहे हैं ट्रैवल, लोगों की इच्छा है ट्रैवल करना भाई, ये तो है। आई होप लाइट जल जाए। ओके लाइट जल गई, मैं दिख रहा हूँगा, नहीं दिख रहा हूँ तो भाई माफ़ करना, मैं हूँ ही ऐसा एनीवे। और अब मैं जाता हूँ फ्रेश अप होने, फिर मिलते हैं। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ दिल्ली के बारे में जो मुझे महसूस हुआ इस 24 घंटे के अंदर। अब तो मास्क उतार ही सकता हूँ, मास्क के बिना ही अच्छा लगता है। तो ठीक है बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद।